साथियों जय भी, मैं हूं रोशन कुमार और आप देख रहे हैं लाइव बुद्धा न्यूज। लाइव बुद्धा न्यूज में स्वागत है। हमारे साथ आज हमारे साथ बात करने के लिए एक ऐसे बिहार के युवा हैं जो अंबेडकरवादी आंदोलन को बिहार में दोबारा जिंदा करने का काम किए और युवाओं में जोश पैदा करने का काम किए। लेकिन वर्तमान समय में बिहार में जो भी अंबेडकरवादी संगठन है वह कहीं ना कहीं जो कि है सुस्त होता दिख रहा है। इसी मुद्दे पर हम लोग बात करेंगे। जो भी अंबेडकरवादी लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, और अमर आज़ाद सर भी एक बहुत बड़े कहीं ना कहीं संघर्ष किए हैं, ग्राउंड पर संघर्ष किए हैं, कई बार लाठियां खाए, जेल भी गए हैं, लेकिन आज जो वो उस तरह का जो आंदोलन होना चाहिए था वो आज क्यों नहीं हो रहा, क्या कारण आखिर हो सकता है सर? देखिए, आंदोलन जो है, जो अंबेडकरवादी समाजवादी आंदोलन है, वो कहीं ना कहीं गरीब तबके के लोग जो हैं, दलित पिछड़े समुदाय के जो छात्र हैं वो लड़ते हैं, और उन्हें बहुत सारे लोग उस एकता को तोड़ने में सफल हुए हैं। जो सरकारें रही हैं, जो मनुवादी ताकतें रही हैं, वो क्या करते हैं कि अगर कोई भी आंदोलन या कोई करता है या कोई नेतृत्व में उभार आता है तो उसे बदनाम करने की साजिशें रची जाती है, और जातिवाद के नाम पे, दलितों में भी जाति के नाम पर उनको तोड़ा जाता है, बहुजनों को तोड़ा जाता है। इस तरह से एक होता है कि हमारे साथ तो बहुत कुछ हुआ, इसके बावजूद भी हमने दलित आंदोलन मूवमेंट को झुकने नहीं दिया। जितना हमसे बन सका वो हम लोग करते आ रहे हैं, कल भी करेंगे, आज भी करेंगे। तो मगर समाज को ये चाहिए कि जो भी विरासत की राजनीति जो है, और जो बहुजन आंदोलन, समाजवादी आंदोलन जो है, पहले के जो लीडर हुआ करते थे वो इस विचारधारा से, मगर अभी के जो युवा हैं या उनके पुत्र हैं, जो वंशवाद की राजनीति अभी चल रही है, उसको, जो अंबेडकरवादी आंदोलन है उसको दबाने का कहीं ना कहीं प्रयास किया जाता है। तो समाज को ये समझना होगा कि आपको हक अधिकार चाहिए, या किसी एक व्यक्ति एक परिवार का विकास होने से समाज का विकास नहीं होता। समाज का विकास तभी होगा जब हम पूरे समाज को, छात्र हो, युवा हो, सभी वर्ग के लोग हो, उनको लेकर के साथ में चलेंगे, तभी समाज का विकास। बिहार में पिछले 30 साल से कहीं ना कहीं बिहार की सत्ता पर जो है पिछड़ों का कब्जा रहा है। आज के समय में जो विपक्ष है वह दलित पिछड़ों को भुलाकर, मुस्लिमों को भुलाकर, वह ब्राह्मण भूमिहार सम्मेलन कर रहे हैं, यादव सम्मेलन कर रहे हैं। इससे जो है लालू यादव जो पिछड़ों की आवाज़ बने थे, दलितों की जो आवाज़ बने थे, उनके आज पुत्र के द्वारा ही जो कि है ब्राह्मण भूमिहार सम्मेलन करवाया जा रहा है, यादव भूमिहार सम्मेलन करवाया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये जो है लालू यादव के विचारधारा के विरुद्ध उनके पुत्र के द्वारा ही काम कार्य करवाने का कोशिश किया जा रहा है। इसको किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, जो सत्ता, अब लोग सत्ता के पीछे भागने लगे हैं, और किसी भी राजनीतिक पार्टी में सभी लोगों की भागीदारी आवश्यक है, चाहे स्वयं समाज के लोग हो, दलित, पिछड़ा हो, मुसलमान, मगर विचारधारा जो वो राजद की विचारधारा रही है, जो समाजवादी विचारधारा कपूरी के विचारधारा रहा है, तो अगर आप विचारों से समझौता कर लेंगे तो फिर आपका जो कोर वोट बैंक है वो आपसे पीछे छटक जाएगा। मगर राजनीति में हम ये नहीं कह सकते कि फलाना जाति के लोग वो है तो वो नहीं आ सकते, उनके कार्यक्रम में नहीं। अब आपको तय करना है कि आप अपनी पार्टी के आइडियोलॉजी को कैसे आगे लेकर के चलते हैं। मगर आपको जो है, जो आपके पार्टी का कोर वोट बैंक है, जो ताकत है, उनको ज़्यादा आपको तवज्जो देना होगा, बहुजनों को ज़्यादा तवज्जो देना होगा, तभी आप आगे सत्ता पर काबिज हो सकते हैं। जिस तरह से आज राजनीति किया जा रहा है विपक्ष के द्वारा, क्या मुस्लिम और दलितों के लिए आने वाले समय में इस तरह की राजनीति कहीं ना कहीं खतरा बनता हुआ नजर आ रहा है? सब कोई किया जाए, सब कोई कर रहा है उसी टाइप का, सब कोई राजनीति ही कर रहा है, हम किसी को दोष नहीं दे सकते। सारी पार्टियाँ जो है उन्हीं के पीछे भाग रही है। दलित मुसलमान का जो मुद्दा है, आरक्षण का मुद्दा है, उसके पीछे कहाँ कोई जा रहा है, उसके पीछे तो कुछ नहीं हो पा रहा है। जो युवा है उसको साथ लेकर के चलने की बात ही नहीं हो पा रही है। तो जो चापलूस और जो समाज को नहीं कुछ करने वाले लोग हैं, पैसे के बदौलत राजनीति को चमकाया जाता है। तो हम सभी से यही कहना चाहेंगे कि बहुजन समाज को एकजुट होकर के आंदोलन, समाजवादी, अंबेडकरवादी बहुजन आंदोलन को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। अमर आज़ाद भी कहीं ना कहीं बहुजन आंदोलन से अब अस्थिर नज़र आते दिख रहे हैं, ऐसा क्या वजह हो सकता है? वजह नहीं, हम लोग हैं, देखिए, हम लोग
एक गरीब परिवार का हम लोग लड़का है, जितना भी संसाधन हम लोग मुहैया पड़ा करा करके समाज के लोग अगर मदद करेंगे तो हम लोग और भी ज़्यादा करेंगे। 10 सालों से कर रहे हैं और भी आगे करेंगे। अपना भी घर परिवार त्याग करके हम लोगों ने समाज के मूवमेंट को आगे बढ़ाई है। समाज को समझने की आवश्यकता है कि जो लड़ने वाला युवा है, समाज में काम करने वाले युवा है, आंदोलन करने वाला, उसको हम लोग तन मन धन से मदद करें ताकि वो अपने वो हमारे अधिकारों की रक्षा के लिए सड़कों पर आवाज़ बुलंद करें। हमने एक इंटरव्यू आपका आज से कुछ दिन पहले ही देखा था, उसमें आप कह रहे थे कि अगर कुछ शर्तों समर्थ के द्वारा भीम आर्मी जो संगठन है, भीम आर्मी भारत एकता मिशन, अगर उसमें फिर से जो है कि पुराने लोगों को वापसी करवाया जाता है तो उसमें कहीं ना कहीं वापस आने का चांस जो है कि उसमें है या नहीं है पुराने लोगों का? है, देखिए उसमें है कि लोग वही बोलेगा, अगर आप अम्बेडकरवाद समाजवाद की बात करते हैं तो किसी से ईर्ष्या द्वेष की भावना नहीं होनी चाहिए, सबको साथ लेने का ये होना चाहिए। और जो लोग हम लोग थे उस समय, देखिए कितना बड़ा बड़ा आंदोलन होता था, तो आप नेतृत्व बढ़िया लोगों को नहीं दीजिएगा तो और चापलूस लोगों को करिएगा और जातिवाद करेंगे तो क्या आपका कोई संगठन नहीं चलेगा। अंबेडकर नाम पे जो संगठन है वो अंबेडकर नाम पे ही चलेगा और सब लोगों का प्रतिनिधित्व ज़रूरी है, सभी बहुजनों का प्रतिनिधित्व ज़रूरी है। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ अमर आज़ाद, बहुत दिनों तक कहीं ना कहीं जो कि समाज के लिए संघर्ष किए और आगे भी करेंगे, लेकिन जो लोग समाज के लिए लड़ते हैं लेकिन उनको समाज उनका ख्याल नहीं रखता है, उनकी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाता है, इस वजह से समाज में जो नेता गरीब नेता उभर कर आते हैं वह आर्थिक कठिनाइयों के कारण वह जो है कि पीछे चले जाते हैं और दब जाते हैं, और जिस तरह का संघर्ष होना चाहिए उस तरह का संघर्ष नहीं कर पाते हैं। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय भीम जय भारत। अगर यह वीडियो आप हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप यह वीडियो हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें और वीडियो शेयर ज़रूर करें। अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में दें।